सेक्सुअल हरासमेंट कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इसे लेकर बने कानून के मायने क्या हैं? अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? जानते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। ये कानून दिसंबर 2013 से देश के हर राज्य में लागू है, चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करती हैं या प्राइवेट में, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं या किसी के घर में, हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो या स्टेडियम हो। अगर कोई व्यक्ति, इम्प्लॉयर या सहकर्मी सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो मदद करेगा ये कानून। पहले जान लीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है। आपको छूना, आपसे सेक्स की मांग करना, आप पर कोई सेक्सुअल टिप्पणी करना, पॉर्न दिखाना या कोई ऐसी हरकत करना जो सेक्सुअल नेचर की हो। इसके अलावा कोई आपकी नौकरी को लेकर गैर जरूरी प्रेफरेंस देने का वादा करता है या आपकी नौकरी को लेकर धमकी देता है, आपके लिए वर्क प्लेस को हॉस्टाइल बनाने की कोशिश करता है या आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो ये है सेक्सुअल हरासमेंट। इसके खिलाफ हर दफ्तर में एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी जरूरी है, जिसकी आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इस कमेटी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी महिला होनी चाहिए और एक सदस्य किसी एनजीओ से होना चाहिए जो इस मुद्दे पर काम करता रहा हो। अगर आप ऐसे दफ्तर में काम करती हैं जहां 10 से कम एम्प्लॉयज हैं और जहां इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बनी है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बनाई लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में जा सकती हैं। अगर आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो उसकी लिखित शिकायत आप 3 महीने के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में दे सकती हैं। कमेटी को 90 दिन के अंदर उस शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। अगर महिला चाहे तो कार्रवाई पूरी होने तक छुट्टी भी ले सकती है या दफ्तर के किसी और विभाग में ट्रांसफर भी मांग सकती है। ये कमेटी किसी सिविल कोर्ट की तरह ही काम करेगी। अगर आप अपनी शिकायत पर कोई फर्जी दस्तावेज या फर्जी सबूत पेश करती हैं तो कमेटी आप पर भी कार्रवाई कर सकती है। इस कानून के तहत की गई शिकायत को लेकर पीड़ित महिला, गवाहों और अभियुक्त की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया उसे भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।